हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिजटेक हिंदी में। मैं हूँ अभिषेक आकाश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रेडमी नोट 4 को कम्प्लीटली iOS में कैसे चेंज कर सकते हैं बिना किसी रूट के और कुछ ही स्टेप्स के साथ। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले करना होगा, आपको आप चले जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे मैंने दो ऐप, एक ऐप का नाम और एक फाइल का नाम लिंक दिया है। आप उन दोनों को डाउनलोड कीजिए। पहले आपको करना पड़ेगा एक फाइल को .mzt बोल के शायद रहेगा, आपको वो फाइल डाउनलोड कर लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्ले स्टोर में ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मी UI थीम एडिटर। तो जब आप उस फाइल को डाउनलोड कर देंगे तो ये थीम एडिटर को आपको ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा ब्राउज पर। ब्राउज पर आप जैसे ही टैप करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे स्क्रॉल कर कीजिए यहाँ पे डाउनलोड्स पे और यहाँ पे प्योर iOS 11.mtz नाम का फाइल रहेगा, आप उसे जो है ओके पर क्लिक कीजिए और आपको दबाना पड़ेगा यहाँ पे स्टार्ट। स्टार्ट जब आप दबा देंगे तो कुछ एड्स दिखाई देगा और लोड होगा, तो लोड होने दीजिए। स्टार्टिंग दिस प्रोसेस बोल के आप दिखाई देगा और उसके बाद में आपको चले जाना है ब्लैक और क्लियर कर देना है सब कुछ। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा अपने थीम्स में जाने पड़ेगा और यहाँ पे आपको दबाना पड़ेगा लास्ट में अपना अकाउंट जहाँ पे रहता है और यहाँ पे आपको थीम्स पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्योर iOS 11 नाम का एक थीम, तो इसे आप अप्लाई कर दीजिए और करने के बाद इसको रिबूट कर दीजिए। तो दोस्तों, थीम को मैंने कर दी है अप्लाई और हो गया है मेरा डिवाइस रिबूट। तो मैं आपको सभी फीचर्स जो है इसके समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको सभी इसके थीम में जो भी फीचर्स है वो सब। तो आप सबसे पहले जब आप वो साइड को स्वाइप करेंगे अपने होम स्क्रीन से तो आपको दिखाई देगा iOS जैसा इंटरफेस। और अब जब आप तो दोस्तों, अगर आपने अप्लाई कर दिया और स्टार्टिंग में कुछ लैग आप देख रहे हैं तो बिल्कुल डरिएगा मत, 2-3 यूज के बाद ये अच्छे से काम करेगा। अगर आपका, मैं स्पेशली रेडमी नोट 4 के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैंने रेडमी नोट 4 के यूज़ किया है और बाकी Xiaomi डिवाइस में मैंने अभी तक इसे इंस्टॉल करके नहीं देखा है। तो आप नीचे से स्वाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे अपना iOS 11 का जो है फीचर और स्वाइप अप करने के बाद आपको अपना Xiaomi का जो है ये करना पड़ेगा। ऊपर का को नोटिफिकेशन बार भी आपको सेम टू सेम iOS जैसा, सेम टू सेम तो मैं नहीं कहूँगा, लगभग iOS जैसा दिखाई देगा। सेटिंग्स में भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा, यहाँ पे आईफोन लिखा हुआ आएगा दोस्तों। तो कॉल्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉल जो है सेम टू सेम iOS जैसे कॉपी कर दी है। म्यूजिक में भी आपको iOS का iTunes का इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम भी आपका जो है चेंज हो गया होगा, मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट। तो इंस्टाग्राम भी जो है आपका चेंज हो गया होगा, आपको आ गया होगा जिस इस तरीके से, और कई सारे ऐसे फीचर्स है। और ऐप स्टोर, आपका ऐप स्टोर भी चेंज हो गया होगा iOS जैसा, बिल्कुल 100% तो सेम नहीं होगा पर आपको iOS की फील तो ज़रूर आएगी। और ऐप्स, सभी ऐप्स जो है चेंज हो गए होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रिमोट जाकर एप्पल टीवी बन गया है और कई सारे ऐसे छोटे मोटे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। आपका ब्राउज़र यहाँ पे क्रोम दिखाई देगा और आपका व्हाट्सएप जो भी है वो भी सेम टू सेम इसके जैसा हो गया होगा iOS जैसा। मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं इसमें GB व्हाट्सएप यूज़ करता हूं तो मेरा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो आता है पसंद है तो कर दीजिए इसको लाइक और आपके Xiaomi फ्रेंड्स को शेयर करके दिखा दीजिए कि आप Xiaomi को iOS में कैसे बदल सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मैं जल्दी हाजिर होऊंगा नया वीडियो लेकर,